अस्सलाम गाइस। तो स्टूडेंट्स मैं हाजिर हूँ एमएलबी की तरफ से राणा उस्मान, ठीक है, बस उम्र का कह सकते हो या राणा उस्मान कह लो। तो गाइस आज हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6 है एचटीएमएल 5 का। तो आज हम पढ़ेंगे लिस्ट एंड टेबल्स। गाइस लिस्ट एंड टेबल एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं एचटीएमएल में, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं आज के हमारे डॉक्यूमेंटेशन में क्या लिखा हुआ है। लिस्ट, सबसे पहले हम लिस्ट पढ़ने लगे हैं। दो तरह की लिस्ट होती है एचटीएमएल में, एक ऑर्डर लिस्ट और एक अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अब ऑर्डर लिस्ट में क्या कह रहा है, वो ऑर्डर लिस्ट में कह रहा है ऑर्डर लिस्ट ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट विद ओ एल एंड ईच लिस्ट आइटम डिफाइंड बाय एल आई। मतलब कि सिंपल सा वो कह रहे हैं कि ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट होगी ओ एल से, देन ये एंड होगी एल आई से, मतलब ओ एल। ओ एल मीन्स होता है ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम लिखेंगे एल आई, मतलब लिस्ट जो होगी। और अनऑर्डर लिस्ट में बिल्कुल यही सब कुछ लिखना है, अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट विद यू एल एंड ईच लिस्ट आइटम डिफाइंड बाय एल आई। मतलब यू एल से हमने स्टार्ट करनी है अनऑर्डर लिस्ट, और एल आई इसके अंदर हमने लिस्ट डालनी है, जो हमने लिखना होगा वो एल आई में लिखना है, और देन हमने ऊपर बताना है कि ऑर्डर लिस्ट है या अनऑर्डर लिस्ट है। ओके गाइज, तो गाइज आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम आप बनाना सीख रहे हैं टेबल। टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप कह सकते हो, बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एचटीएमएल में, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाने में टेबल बहुत अच्छा रोल अदा करता है। तो गाइज इसमें ये हम कह रहे हैं क्रिएटिंग टेबल हम करते हैं, टेबल्स आर डिफाइंड बाई यूजिंग द टेबल टैग। टेबल हमने जब भी बनाना होता है हम टेबल टैग देके इजीली टेबल बना लेते हैं, लेकिन टेबल टैग के अंदर हम क्या लिखते हैं वो पढ़ते हैं दूसरे सेकंड लाइन में। टेबल्स आर डिवाइडेड इनटू टेबल रोज विद द टीआर टैग। हम टेबल के अंदर जो सी रो बनाएंगे वो टीआर टैग से बनाएंगे, एंड टेबल रोज आर डिवाइडेड इनटू टेबल कॉलम्स। अब टेबल रोज के अंदर टेबल कॉलम भी होंगे, अब टेबल कॉलम्स किससे बनेंगे, टीडी से, ठीक है। अब ये इसका स्ट्रक्चर नीचे कोड दिया हुआ है, टेबल सबसे ऊपर लिखा हुआ है टेबल, देन स्टार्ट टैग हो रहा है टीडी और टेबल डेटा, टेबल डेटा से टीडी मतलब टेबल डेटा होगा, और आगे हमने रेड ग्रीन ब्लू लिखा है ये टेबल डेटा है, और देन टीआर से खत्म, ठीक है। टीआर हम यूज करेंगे टीडी से ऊपर, या सॉरी टू से लेकिन नहीं यूज किया हमारे, लेकिन टीआर हम यूज करेंगे टीडी से ऊपर। आगे हम पढ़ते हैं टेबल के अंदर बॉर्डर होते हैं, कॉल्समैन क्या होता है, ठीक है। बॉर्डर जस्ट यूज दिस, हमने अगर टेबल बॉर्डर यूज करना तो सिंपल इतना सा लिखना है, टेबल बॉर्डर टू मतलब उसकी विद्य नहीं, हमने के टू रखनी है फाइव रखनी है, वो आपको जितनी अच्छी लगती है आप रख लो। उससे आगे कॉल्समैन, कॉल्समैन क्या होता है, एक सेल को डिवाइड करना दो कॉलम्स में, एक सेल को डिवाइड करना दो कॉलम्स में, बस कॉलम से कॉल्समैन हो जाता है। जैसे कि ये लिखा हुआ है कोड में लिखा हुआ है टेबल टी आर टी डी, देखो टी आर के अंदर हमने टी डी लिखा हुआ है, ठीक है। पहले हमने टी आर लिखना है फिर हमें टी डी लिखना है, और कॉल्समैन को रेड कलर में मैंने यूज करके बताया हुआ आपको, कॉल्समैन इक्वल टू के, देन हम कॉल्समैन यहाँ यूज हो जाएगा। ये मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा, अभी तो डॉक्यूमेंटेशन है सिर्फ, अभी ये डॉक्यूमेंटेशन खत्म होने वाली है, ठीक है। तो हम यूज करते हैं टेबल बना के इम्प्लीमेंट करते हैं, कोडिंग करते हैं। अच्छा इसमें हम पढ़ेंगे कलर अलाइनमेंट और टेबल बैकग्राउंड कलर टेबल का। सबसे पहले हम यूज करेंगे अलाइन, अलाइन में हम क्या करते हैं कि अपनी अलाइनमेंट सेट करते हैं अपने टेबल की। इसमें लिखा हुआ है टू चेंज योर टेबल पोजीशन, हमने अपने अगर हमने टेबल पोजीशन चेंज करनी है अपने टेबल की, यूज द अलाइन एट्रीब्यूट, हमने अलाइन एट्रीब्यूट यूज करना है इनसाइड द टेबल टैग, टेबल टैग के अंदर हमने यूज करना है अलाइन, मतलब अपनी सेंटर रखना, राइट रखना, लेफ्ट रखना, अपने जोन सा भी रखना आप वो यूज करोगे, ठीक है। आप टेबल बैकग्राउंड कलर क्या होता है, तो अगर हमने अपने टेबल के बैकग्राउंड पे कोई कलर देना है तो सिंपली हम लिखेंगे, अच्छा पढ़ लेते हैं पहले, स्पेसिफाई अ बैकग्राउंड कलर ऑफ रेड फॉर द टेबल सेल, जस्ट यूज द टेबल बीजी कलर एट्रीब्यूट। सिंपल हमने लिखना है बीजी कलर एट्रीब्यूट, टीडी के अंदर हम लिखेंगे या हमने टेबल के अंदर लिखना है वो हम पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हमने टीआर के अंदर लिखना है, टीडी के अंदर लिखना है, लिखना क्या है बीजी कलर, ये थर्ड लाइन पे लिखा हुआ मैंने बीजी कलर इक्वल है रेड के। ओके गाइज, तो गाइस हम इसको करते हैं इम्प्लीमेंट, और ये आ गया ड्रीमवीवर हमारा। ड्रीमवीवर में सबसे पहले क्या करते हैं गाइस, हर बार की तरह हमने एक न्यू फाइल लेनी है, ओपन किया फाइल को, एचटीएमएल पहले यहाँ से हुआ होता है सेलेक्ट, यहाँ लिखते हैं लेक्चर नंबर 6। एक मिनट गाइस, लेक्चर नंबर सिक्स हमने लिख दिया, अभी स्पेस नहीं थी इसके अंदर। लेक्चर नंबर 6 क्रिएट करते हैं हम टेबल, मतलब फाइल क्रिएट करते हैं। अब ये फाइल क्रिएट हो गई है, तो गाइस फाइल क्रिएट हो गई। अब हम सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था
वैसे बताओ जरा यार, कमेंट में बताओ हमने सबसे पहले क्या बोला था, लिस्ट। हाँ लिस्ट पढ़ते हैं सबसे पहले। अच्छा लिस्ट हमने कैसे यूज़ करनी है। अब हम जाते हैं दोबारा अपने, अच्छा तो गाइस ये मैंने लिस्ट का कोड दिया हुआ है, ओएल से हम स्टार्ट करेंगे लिस्ट। ओएल से स्टार्ट की और ओएल से ऑफ कर दी, ये ओएल लिस्ट हो गया। अब यहाँ हम लिखते हैं एल आई, लिस्ट के लिए हमने एल आई लिखा, इसके लिए हम लिखेंगे रेड एल आई ग्रीन एल आई येलो येलो येलो। ओके गाइज ये हमने स्टार्ट कर दिया, इससे हम सेव करेंगे। सेव कहाँ करते हैं गाइज, आपको पता ही हम अपना सारे का सारा माल गोदाम सेव करते थे। एक फोल्डर था यहाँ एचटीएमएल का, जिसमें हमने लिखना है लेक्चर नंबर 6 अल्फाबेट, लेक्चर 6। ओके गाइस ये हमने सेव कर दिया। अब हम इसे करते हैं रन, दे देना डन। अब रन करके देखते हैं, तो उम्मीद है हमें ने जो करना है वो शो हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लो गाइस, क्योंकि बैकग्राउंड पे मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसिंग वाली चीज़ें लगाई हुई हैं, वो प्रोसेस कर रही हैं, लोडिंग कर रही हैं, जिसकी वजह से ट्री मूवर थोड़ा सा स्लो जा रहा है। और गाइस वो देखो ऊपर देखो, सबसे ऊपर देखो, आ गया 1 2 3, ये होती है ऑर्डर लिस्ट। तो ओके 1 2 3, इसे हम कहते हैं ऑर्डर लिस्ट। अभी ऑर्डर लिस्ट और भी बड़ी टाइप्स की होती है, लेकिन अभी अब वो रहने दो, अभी अब सिंपल सा बेसिक है ये, हम बेसिक पढ़ेंगे। मैं इसके बाद एक कोर्स और भी करूँगा जिसमें हम बेसिक के अंदर एडवांस थोड़ा करेंगे, ठीक है। अभी ओएल ओएल ही रहने दो। अच्छा गाइस अब हम करते हैं यूज़ अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। यूएल अब इसके अंदर हमने लिखना है वो ही सब ऊपर लिखता है वह जो एल आई, यहाँ लिख देते हैं ब्लैक, और आगे हम लिखते हैं एल आई, और ये पढ़ा लिखा गया लेकिन इग्नोर करो, ब्लैक येलो एल आई क्या लिखा वाइट। अच्छा गाइस अब ये देखते हैं वहाँ क्या हुआ है, अभी गाइस शो हो गया ब्लैक येलो व्हाइट। अब शो कैसे हुआ, डॉट में, ये होती है अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट में हम सॉर्ट करते हैं, आप कह सकते हो हम ऑर्डर लिस्ट में सॉर्ट करते हैं, तो मतलब 1 2 3 आई बी सी आपने करनी है या रोमन ने करनी है, वो आपको एडवांस में पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ सिर्फ ऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। और इसके बाद अनऑर्डर लिस्ट ये हमने बना लिया, जो ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट जो कि हमारे पास शो हो गई है, आप देख सकते हो। ओके अब हम करते हैं गाइस अगला हमारा स्टेप था। अच्छा ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने अल्फाबेट कैपिटल लिखा हुआ है। अब ये ख़त्म करते हैं और ये एरर क्या। अच्छा गाइस नेक्स्ट हमने क्या करना है, क्रिएटिंग टेबल। सबसे पहले H1 लिखते हैं, इसके अंदर लिखते हैं क्रिएटिंग टेबल, और यहाँ हम देते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वैसे भी ब्रेक खुद ही हो जाती है गाइस, जब हम H1 लिखते हैं तो ब्रेक खुद ही आ जाती है। अच्छा अब हम लिखते हैं यहाँ टेबल, सिंपल टेबल लिखा, ये टेबल आ गया। टेबल के अंदर मैंने क्या कहा था, टी आर का टैग देना है, ये टी आर का टैग आ गया। टी आर के अंदर क्या था, टी डी गाइस, टी डी भूल भी गए हो। अच्छा टी डी के अंदर हमने देना था रेड टी टी ब्लू टी टी ब्लैक। अच्छा गाइस ये मैंने कर दिया टेबल, अब देखते हैं शो होता है टेबल के नहीं, गाइस शो हो गया ब्लैक रेड ब्लू आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये ऐसे क्यों आ रहा है, अरे यार टी 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 नॉट टी पी। अच्छा तो गाइस ये हो गया टी टी, उम्मीद आप सब कुछ सही हो गया होगा। ओके गाइस ये एक लाइन में आ गया, अब ये टेबल बना हुआ है, अब हमें क्यों नहीं लग रहा ये टेबल। अच्छा पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसका एक क्लोन बना लेते हैं, कंट्रोल एस कंट्रोल
एक और बना लेते हैं। अच्छा यहाँ लिख देते हैं वन 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 टू टू टू। आप देखते हैं ये आपको थोड़ा सा टेबल का व्यू नजर आएगा। ठीक है भाई, ये आपको टेबल का व्यू थोड़ा सा नजर आ रहा है। अब भाई हमने क्या करना था नेक्स्ट में, नेक्स्ट हमने पढ़ा था टेबल बन गया हमारे पास, टेबल बॉर्डर आ गया। हाँ टेबल बॉर्डर देते हैं बस, टेबल बॉर्डर। टेबल बॉर्डर के लिए क्या था, टेबल के अंदर हमने बॉर्डर लिखना है। ये ऊपर टेबल है, अब इसके अंदर लिखना हमने बॉर्डर टू कर देते हैं। अच्छा गाइस ये देखो आ गया टेबल बॉर्डर गाइस। अभी हम अगर यहाँ हम फाइव करेंगे ना तो वहाँ फाइव आ जाएगा। ओके ये देखो और ज़्यादा हो गया। अच्छा तो भाई जी ये हमारे पास टेबल बॉर्डर आ गया। अब हमने क्या करना था, हमने आगे पढ़ा था कॉल्सपेन। कॉल्सपेन के लिए हमने क्या करना है, टीडी के अंदर हमने लिखना कॉल्सपेन। ओके तो अभी मैं आपको टीडी के अंदर, इस टीडी के अंदर कॉल्सपेन टू कर देता हूँ, देखते हैं क्या होगा। तो भाई ये देखो ठीक है ना, कॉल्सपेन से क्या हुआ, उसने ऊपर वाले दो कॉलम्स की जगह खुद ही ले ली है। मैंने टू लिखा था इसलिए उसने टू की जगह ले ली है, एक नहीं। सिर्फ ये हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं सारे का सारा एक आप बनाने में कह लो। आपके अक्सर आपको असाइनमेंट मिलती होगी रिजल्ट कार्ड बनाने की, तो हम उसी में उसमें ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि हमें कॉल्समैन कैसे यूज़ करना है। तो गाइस जैसे हमें कॉल्समैन यूज़ करना होता है, जितनी हमने जगह लेनी होती है उतना हम लिख देते हैं कि ये फाइव है तो फाइव कॉलम्स की जगह आ जाती है एक ही रो में, एक ही सेल में। अच्छा अभी ये कॉल्समैन हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कलर अलाइन और बैकग्राउंड। सिर्फ इतना सा गाइस, अगर आप बोर हो रहे हो तो फिक्र ना करो, सिर्फ 2 मिनट और पढ़ो वो पढ़ लो आप किसी तरीके से, देन ये ख़त्म हो जाएगा लेक्चर। तो गाइस यहाँ हम करने वाले हैं टेबल के अलाइनमेंट, सीधी पतली करने लगे हैं। यहाँ हम लिखते हैं अलाइन, पहले मैं सेंटर करके दिखा देता हूँ। तो अच्छा, ना आ रहा ये तो लगता क्या। अच्छा तो भाई जी चलो सेंटर नहीं तो हम कर लेते हैं राइट। अभी राइट में नहीं आ रहा, अभी आ जाएगा। आ गया अलाइन सेंटर, बस की प्रॉब्लम हो रही है, मुझे नहीं पता वो प्रॉब्लम क्या हो रही है। अरे यार ये देखो सेंटर में आया होगा, असल में मैंने जूम इन किया हुआ था पेज को, सॉरी गाइस। तो गाइस ये सेंटर में आ गया, अगर हम इसे राइट करेंगे ये राइट में चला जाएगा, लेफ्ट करें तो लेफ्ट में चला जाएगा। लेफ्ट करते हैं और वो गया लेफ्ट में, और राइट करके देख लेते हैं एक बार। ओके गाइस वो राइट में चला गया, फिकर वाली कोई बात ही नहीं थी, एमी टेंशन ले ली थी यार इतनी सी बात की। अच्छा ये सेंटर, अगर आप इसे हम इसे जूम करते हैं, इसमें हमने करनी है चेंजिंग। का चेंजिंग क्या करनी थी हमने, सबसे पहले हम इसका देखे बैकग्राउंड कलर किसी एक कॉलम का। अच्छा सबसे ऊपर वाले का दे देते हैं रेड का, रेड को। अच्छा बीजी कलर दे देते हैं, रेड को रेड दे देते हैं, और बीजी कलर ब्लू को ब्लू, बीजी कलर पिंक, क्योंकि अगर ब्लैक देंगे तो वो लिखा नजर नहीं आएगा। तो गाइस ये देखो नहीं यार अच्छे लग रहे हैं ये कलर, रेड ब्लू और ब्लैक। ओके गाइस ये था बैकग्राउंड कलर। आगे हमने पढ़ना है बैकग्राउंड कलर, हो गया कॉल्समैन हो गया। इस मुबारक हो, ये तो लेक्चर ही खत्म हो गया, अलाइनमेंट भी हो गई आपकी, बस इतनी सी बात थी यार, सिर्फ इतनी सी बात थी।
गाइस आज का हमारा लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। या देख लो क्या क्या किया आज हमने। ये किया ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, क्रिएटिंग टेबल, कॉलम, कॉल स्पेन, रो स्पेन। रो स्पेन नहीं की, कॉल स्पेन की है गाइस। और कॉल स्पेन भी हम कर सकते हैं वैसे, ठीक है ना। वो रो स्पेन कॉल स्पेन सेम चीज़ ही है कि कॉल स्पेन करते हो रो स्पेन, वो थोड़ा नीचे आ जाता है, दो कॉल नीचे आ जाता है, ठीक है ना। आप लिख के देख सकते हो कॉल स्पेन भी, मतलब रो स्पेन भी। तो गाइस बस यही था आज का लेक्चर। तो गाइस मुझे तो इजाज़त, और गाइस मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो और शेयर करो वीडियोस, ताकि आपके फ्रेंड भी मेरी वीडियोस देखते रहें, उन्हें भी कुछ आ जाए, कोडिंग वगैरह आ जाए। ओके गाइस, और ना अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दे दो मुझे।